नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उत्कर्ष शुक्ला और आप देख रहे हैं क्रिकेट कीड़ा। इस वीडियो में हम बात करेंगे आईपीएल में गिरते हुए अंपायरिंग स्तर के बारे में। दोस्तों, आईपीएल का अंपायरिंग स्तर इस लेवल तक गिर चुका है कि 7 मैचेस हुए हैं अभी तक आईपीएल में और 3 मैचेस में टीम्स को अपनी हार तक कॉस्ट करनी पड़ी है अंपायरिंग डिसीजंस के चलते। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखिए और जानिए उन तीनों गलतियों के बारे में और आईपीएल के अंपायरिंग स्तर के बारे में। दोस्तों, सबसे पहली बात करेंगे हम लोग राजस्थान रॉयल्स और किंग्स इलेवन पंजाब के सबसे कंट्रोवर्शियल मैच के बारे में। अगर हम मानते हैं कि रविचंद्रन अश्विन ने गलती की थी जॉस बटलर को मैनकेट करके, तो वहीं पे गलती सिर्फ और सिर्फ रविचंद्रन अश्विन की नहीं, अंपायर्स की भी होनी चाहिए। अगर वो गलत तरीके से आउट किया था जॉस बटलर को रविचंद्रन अश्विन ने, तो यहाँ पे थर्ड अंपायर को उनकी अपील स्वीकार नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन इसके उलट अंपायर्स ने उनकी अपील को स्वीकार किया और जॉस बटलर को आउट दिया, जिसके कारण राजस्थान रॉयल्स साफ तौर पर वो मैच हारी। नहीं तो वो राजस्थान रॉयल्स मैच आराम से जीत सकती थी। अब दूसरी कंट्रोवर्सी की बात करें तो वहाँ पे आता है किंग्स इलेवन पंजाब और केकेआर वाला मैच, जो कि 6th मैच था इस आईपीएल का। वहाँ पे एक ओवर के दौरान कुलदीप यादव ने डेविड मिलर को बॉल डाली, वहाँ पे अपील होती है कैच की, दिनेश कार्तिक ने कैच पकड़ा था, उसमें अंपायर्स उन्हें आउट करार देते हैं। डेविड मिलर ने लिया रिव्यू और वो सफल रहे, निक नहीं लगी। लेकिन गौर करने वाली बात यहाँ पे ये थी कि अगर वहाँ पे निक नहीं लगी थी तो उस गेंद को वाइड बॉल होना चाहिए, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। लेकिन अंपायर्स ने उस गेंद को वाइड बॉल नहीं करार दिया। हो सकता है मैच में रन का डिफरेंस ज़्यादा हो, लेकिन अगर एक बॉल वाइड दी जाती तो हो सकता था रिजल्ट बदल जाता, हो सकता है रन रेट का फ़ायदा किंग्स इलेवन पंजाब को पहुंच जाता, लेकिन अंपायर्स ने यहां पे भी गलती की। दोस्तों, तीसरी बड़ी गलती हुई है रॉयल चैलेंजर बैंगलोर और मुंबई इंडियंस के 7th आईपीएल मैच के दौरान। 20वें ओवर की आखिरी गेंद शिवम दुबे को लसित मलिंगा डाल रहे थे, जो कि नो बॉल थी, लेकिन यहां पे भी अंपायर्स ने इसे मिस आउट कर दिया और नो बॉल नहीं डिक्लेयर करी। इसके चलते एबी डिविलियर्स विराट कोहली बहुत नाराज हुए। अगर ये बॉल नो बॉल होती तो नेक्स्ट गेंद पे, जो कि फ्री हिट थी, उस पे एबी डिविलियर्स स्ट्राइक पे होते और जिस फॉर्म से एबी डिविलियर्स इस मैच में खेल रहे थे, उनका जीतना तय था लगभग। लेकिन अंपायर्स की इस चूक के चलते आरसीबी ये मैच हार गई और इसका खामियाजा अंपायर्स को विराट कोहली की लतार के तौर पर मिला। पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में विराट कोहली ने अंपायरिंग डिसीजंस को लेके अंपायर्स को बहुत कड़ी लतार लगाई है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो दे दीजिए इस वीडियो को एक बहुत बड़ा सा लाइक, अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करके बताइए कि आईपीएल में अंपायरिंग का स्तर कितना गिर चुका है कि 7 मैचेस में 3 मैचेस में अंपायर से गलतियां हो चुकी हैं। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आईपीएल न्यूज़ को सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब तो करिएगा ही, साथ में बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।